फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल? और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। अगर आपके भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, तो आज और कल दोनों दिन रक्षाबंधन मना रहे हैं। जो लोग जैसे भी आपको सेलिब्रेट करें, एंजॉय कीजिए। अगर आपके भाई बहन नहीं भी है, रियल ब्रदर है, सिस्टर, तो कोई बात नहीं। आप ना अपने पेरेंट्स को भी राखी बांध सकते हो। क्योंकि रक्षाबंधन का मतलब क्या है, हम एक रक्षा करने का कवच बांधते हैं हमारे भाई को, तो भी हमारे भाई लाइफ लॉन्ग जिए और भाई भी हमको प्रोटेक्ट करने के लिए एक वचन देते, जैसे बोल सकते हैं। लेकिन आजकल लड़कियाँ लड़कियाँ सब एक बराबर है। लड़कियाँ अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं, इनफैक्ट वो भाइयों की भी रक्षा कर सकती है, तो वो बात नहीं है। लेकिन दोनों एक दूसरे को राखी बांध सकते हैं। आज मैं फ्रेंड्स आपके देख रही हूँ, आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, बेसिकली ये सब चीज़ देख रहे हैं। देखो, एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ रहा है, लेकिन पता नहीं कितने लोगों को यकीन है कि नहीं है आप लोगों, क्योंकि आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन चालू है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ये याद रखिए कि बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। ये आप तक खुद का देखिए कि आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल, आप याद कीजिए जब आपकी लाइफ में बहुत बैड फेज चल रहा था, या आपकी लाइफ में आप जब खुद को आपको अडेप्ट करना पड़ रहा था, अपने आपके अंदर चेंजेस आपको लाने पड़ रहे थे, आपको इनर वर्क स्टार्ट किया था, कितना आपको पेनफुल एक्सपीरियंस था कि नहीं था। वैसे ही आपके पर्सन का भी है, तो ये पेनफुल एक्सपीरियंस होने की वजह से आप लोग बहुत परेशान हो जाते हो, या आप तो परेशान हो गए थे, तो आपके पर्सन भी वैसे ही है। ट्रांसफॉर्मेशन फेस में इंसान कम्प्लीटली एकदम डिसीजन नहीं ले सकता है। बहुत लोगों को लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है। जो लोग मेरे से पर्सनल रीडिंग करा रहे काफ़ी टाइम से, साल दो साल से जुड़े हुए, मैं देख रही हूँ उनके पहले उनके पार्टनर उनसे बात भी नहीं कर रहे थे, उनको ब्लॉक करके रखे थे काफ़ी लोगों ने, कि बातचीत शुरू हो गई है। कुछ लोगों को ऐसे तक हो गया है कि ना शादी तक बात पहुंच गई है। एक जब पर्सन का मैं नाम ही लेना चाहूँगी, उनके पर्सन उनसे मतलब जरा भी बात नहीं करते थे, वो अभी इनको कमिटमेंट दे रहे हैं। वो क्या उनके लेकिन वो प्रॉब्लम अभी क्या हो रही है, शादी फिक्स हो रही है, सब कुछ हो रहा है। उनको लगता है कि पहले वाले पार्टनर हैं उनकी, वो वाइफ थी, वो तुम उनसे जरा भी बातचीत नहीं कर रहे, बच्चों से बात नहीं कर रहे, तो आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? मतलब वो पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहा है, आपसे शादी भी कर रहा है, आपको अलग से अलग घर दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उनकी वाइफ ने भी आपको एक्सेप्ट कर लिया, फिर आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? समझ रहे हो? तो ये सेल्फिशनेस नहीं चलेगी, थोड़ा बहुत हमें अपना हार्ट बड़ा करना पड़ेगा। समझ रहे हो? आपको इनर वर्क से आपका रिजल्ट आ रहा है, तो गॉड को शुक्रिया कीजिए उसके लिए। आपको कम्प्लीटली सब पर्सन को अपने अंदर बाउंड नहीं कर सकते, वो बच्चे उनके भी हैं, तो वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी लेना तो पड़ेगा ही ना पर्सन को। ये आपका टू ऑफ एरोज का कार्ड आ रहा है, ट्रेडिशन का कार्ड आ रहा है, किंग ऑफ पॉइंट्स का कार्ड आ रहा है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपके पर्सन एक डिसीजन ले रहे हैं या ले चुके हैं, वो आपको टू ऑफ एरोज में इसमें देखा है, टू ऑफ एरोज में वो कंफ्यूज नहीं है इतने आपको लेके। अभी वो कंफ्यूजन जो था आपको लेके वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, शादी को लेके, आपसे मैरिज करने को लेके। बहुत ज़्यादा पहले कंफ्यूज एनर्जी में रहते थे ये पर्सन, मतलब पास्ट में इनको लगता था कि मैं राइट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कर रही हूँ नहीं कर रही, इस तरह की इनकी एनर्जी चलती थी पास्ट में बहुत ज़्यादा, कि है ना मैं ये राइट डिसीजन ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। अभी ये पर्सन क्या ग्राउंडेड हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, हम्बल हो रहे हैं, मतलब पहले इनके हम्बलनेस नहीं थी, तो अभी हम्बलनेस आ रही है इस पर्सन के अंदर। तो ये डिफरेंस आप डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर दिखोगे अभी आने वाले वक्त में। मुझे लगता है काफ़ी लोगों को दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं ये पर्सन, जो भी है आपके पर्सन बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखो इसमें दोनों 8-8 वापस आपका 8-8 का कार्ड आ रहा है, 8 नंबर का, 8 ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ एरन, तो मतलब आपको शनि बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है आप लोग के रिलेशनशिप को। तो शनि के उपाय जो मैंने आपको बताया है पहले प्रीवियस वीडियोस में, आप लोग वो करते रहिए। ये आपके पर्सन बहुत मेहनत कर रहे हैं इस ना जो ब्लॉकेज उनको फील हो रहा है, आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया वो सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। आपको जितनी मेहनत लग रही है इक्वली उनको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बस इतना फर्क है। क्योंकि ना सबको अपना पेन दिखाई देता है, सामने वाले का पेन नहीं दिखाई देता, तो वो निकल रहे हैं इस पेन से बाहर, इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत लग रही है उनको। मतलब एक इंसान का नेचर ऐसे हो गया था कि थोड़ा एटीट्यूड वाला, थोड़ा ना मटेरियलिस्टिक, थोड़ा 3D लेयर्स उन पर बहुत ज़्यादा चढ़ गई, तो वो उतरने में इंसान को पेन तो होगा ना, जब सांप की चमड़ी उतरती है तो कैसे उसको वो एक नई स्किन में आता है, तो वैसे ही होता है ना इंसान को, वो लेयर उतरने में टाइम तो लगती है ना, तो वो चीज़ हो रही है।
तो पावर में आ रहे हैं, आपके पर्सन पावर में आ रहे हैं, एक पावर कपलफुल पावर कपल पावरफुल कपल बनने के लिए आप दोनों एक डेफिनेटली पावरफुल कपल बनोगे, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी जब साथ में जुड़ेगी तो आप लोग दोनों की मैनिफेस्टेशन पावर इतनी हाई हो जाएगी पूछिए मत। मैंने मेजोरिटी ऑफ ट्विन फ्लेम्स को देखा है, जो स्पेशली ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ, और स्ट्रॉन्ग सोलमेट्स के जो लोग मतलब पहले ही कुछ नहीं करते थे या इनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी या कुछ नहीं कर रहे थे, वो जब यूनाइटेड हो जाते हैं, साथ में ज्वाइन हो जाते हैं, तो उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग एक साथ में बन जाती है कि वो अपनी मैनिफेस्टेशन इतनी फास्ट फास्ट पूरी करते हैं। उनकी लाइफ में इतना अबेंडेंस, मनी, लव, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स इतने ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। मैंने मतलब बहुत सारे केसेस देखे हैं मैंने ऐसे, तो वो मैंने और मैं बहुत और मैं खुद के मतलब अपने रिलेटिव्स के अंदर में जब जब देख रही हूँ कितने लोगों के एक दो रियल ट्विन फ्लेम कनेक्शन थे, उनकी लाइफ कैसी थी अभी, उनका लाइफ कैसा है, तो बहुत डिफरेंस दिख रहा है कि ट्विन फ्लेम्स को भी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, मतलब पैसा आ रहा है, मनी आ रहा है, फेम आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, खुशी आ रही है, लव आ रहा है, लोगों का सपोर्ट आ रहा है, ये सब चीज़ मैंने देखा है। तो ये सब चीज़ होता है, ये क्योंकि आप पावरफुल कपल बन जाते हो बेसिकली ये है। लेकिन ये कि आपके पर्सन को सामने वाले को समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, तो उनको लग रहा है कि ये पर्सन से शादी करके मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे कि नहीं होंगे, मैं सक्सेसफुल होंगा कि नहीं होंगा, तो ये सब चीज़ इनके दिमाग में चलती रहती है, चलता रहता है, मतलब इसी वजह से वो नहीं नहीं पाते। लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि उनका अबेंडेंस सामने है, उनके ये पर्सन के साथ में ही वो जब आएंगे तभी उनको अबेंडेंस मिलना स्टार्ट होएगा। मैं बहुत मैंने बहुत सारे केसेस है, मैंने पर्सनल रीडिंग करते हैं उन लोगों को बताती हूँ, मैं उन लोगों को एग्जांपल्स ना बता के उनको किस तरह से है ना ऐसे सिचुएशंस में इस लोगों को इतना सक्सेसफुल हुआ है, और रियल केसेस है, समझ रहे, ऐसे नहीं है। 26 नंबर का कार्ड आपको देखो इसमें क्या बुक अनलॉक होने का टाइम आ गया, आपको समझते इस बुक के कैसे एक है ना एक नंबर लगा हुआ है इसमें, क्या ये बुक को अनलॉक करने के लिए ये चाबी घुमानी ज़रूरी है, तो वो आप बोल सकते हो कि आपके चाबी का लॉक का नंबर है ना, की का नंबर आपके पर्सन को पता चल गया, या उनको बोल सकते हो कि उनको समझ में आ गया है कि इसको किस तरह से खोलना है, तो ये चीज़ आपके या आपको समझ में आ गया, आपका अनलॉकिंग का टाइम आ रहा है बेसिकली। ऐसा ना पहले बहुत सारी किताबें खोल के देखने की कोशिश की होगी आपके पर्सन ने, वो किताब में उनको वो नहीं मिला जो वो चाहते हैं, वो ये किताब वो आप हो, समझ रहे हो, ये वो किताब आप हो, ये उनको समझ नहीं आएगा। मुझे लगेगा बहुत एनालाइज कर रहे हैं, बहुत बारीकी से चीज़ों को आपके पर्सन देख रहे हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं आपको, क्लोजली हर चीज़ देख रहे हैं, मतलब और 44 नंबर का कार्ड है, वापस 8 नंबर आ रहे हैं, समझ रहे हो, तो आपके पर्सन बहुत है ना, मैं बोल रही हूँ शनि बहुत ज़्यादा शनि जस्टिस करने पर आ रहे हैं, जस्टिस आपको मिलेगा, बहुत क्लोजली आपके पर्सन मॉनिटर कर रहे हैं आपको, कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि मैसेज टाइप भी करके रखे होंगे या सोच के भी रखे होंगे या लिख के रखे होंगे, किस तरह से मुझे बात करनी है, किस तरह से मुझे बोलना है या करना है, ये आपके पर्सन डेफिनेटली सोचेंगे, और बहुत फेथफुल रहेंगे आपकी बात, जो आपके पर्सन आएंगे बहुत फेथफुल रहेंगे वो, उनके तरफ से आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि वो कोई थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके पेरेंट्स की तरफ ज़्यादा बोल रहे हैं, किसी और की तरफ बोल रहे हैं, वो आप जैसा चाहते हो वैसे एकदम ट्रस्टवर्दी होंगे आपकी तरफ, आपकी तरफ एकदम ट्रस्टवर्दी और फेथफुल, और बहुत है ना आप यकीन एच में बोलिए ट्रांसफॉर्मेशन के पर्सन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, जैसे खुद आप खुद में देखें कितना चेंज आपके अंदर आया है, समझ मुझे काफ़ी लोग जैसे मैं जब मैं चेंज होगी मेरे पास मुझे सब जन बोलते कि बहुत चेंज दिखता है आपके अंदर, समझ लो, तो काफ़ी लोग आपको देखेंगे जो काफ़ी टाइम से नहीं मिले, अगर आप में चेंज आया है आप वो नोटिस कर रहे हैं आपके अंदर चेंज, तो डेफिनेटली चेंज देखेंगे, समझ इस तरह से लोग आपको बोलेंगे दैट वी सी हैप्पीनेस ऑन योर फेस, वी सी ना सम स्पार्क ऑन योर आईज, ऐसे कब कुछ लोग बोलेंगे कि है ना आपके अंदर चेंज आएगा, तो वो चीज़ आपके पर्सन के अंदर भी आएगा, वो चेंज उनके अंदर है, कभी कभी क्या चेंज है ना रीयूनियन होने के बाद में दिखता है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को रीयूनियन से पहले भी दिखने लग जाता है, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स में ज़्यादा दिखता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, तो इससे उनका उनका चेंज पहले दिखने लग जाता है, और डिवाइन मैस्कुलिन का यूनियन होने के बाद में बहुत ज़्यादा चेंज दिखता है बेसिकली, ये चीज़ देखी गई है, तो ऐसा चीज़ कुछ हो सकता है। आप लोग खुद एनालाइज कीजिए कि आपका खुद का कितना वर्क आपने किया है और आपका आगे बढ़ रहे हो उस चीज़ के अंदर, आप वो देखिए। देखो सेम कलर जैसे कार्ड ऑलमोस्ट ओपन हो रहे हैं, देखो आपका ये पर्सन का देखो ये अवेयरनेस में बार बार बोल रहे हैं कि पर्सन की अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, रीडिंग उस तरह की आ रही है, मैं जो लोग मेरे से फॉलो कर रहे हैं काफ़ी एक साल से डेढ़ साल से वो लोग को पता है वो लोग इस लूप में हैं, और जो लोग प्योर में है क्या ओनली प्योर सोल्स को अट्रैक्ट कर रही है, तो प्योर सोल्स आप लोग प्योर सोल्स हो तो आप अपने आप अट्रैक्ट आप अपने आप को कम मत समझिए किसी से, अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है या आपको कभी एंगर भी आ रहा है आपको जेलसी भी फील हो तो कोई उसमें गलत बात नहीं है, वो भी फील हो सकता है, लेकिन वो गॉड आपको अपना इशू बता रहा है, आपको हील करना है वो इशू को, ये समझ के रखें। ऑर्डिनरीज का कार्ड आ रहा है, शेयरिंग का कार्ड आ रहा है,
और पास्ट लाइफ का कार्ड आ रहा है, तो ये चीज़ है ना आपको, और आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मैं बार बार बोल देती हूँ आपके पर्सन के साथ में आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये आप मान के चलिएगा। और आप लोग डेफिनेटली शेयरिंग मतलब है ना इक्वल इवन टेक रिलेशनशिप में डेफिनेटली आओगे, ऐसा समझ रहे हो? आपके पर्सन अभी ऐसे बोल सकते हो वो गार्डन में जो है ना फूल लगने वाले हैं उसको अभी इकट्ठा करने का वक्त आ रहा है, ऐसे बोल सकते हो। वो चीज़ आपकी लाइफ में अभी बेसिकली आने वाली है, आप ये समझ के चलिएगा। जो लोग नए हैं चैनल पे, मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आपको अपने पर्सन के साथ में यूनियन में आने के लिए इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इनर वर्क कैसे करना है तो उसको आपके लिए मुझसे सेशन लेना होगा, कैसे करते हैं क्या करते हैं, क्योंकि फर्स्ट विदाउट गाइडेंस बराबर से आप कर नहीं पाते हो, तो वो चीज़ आपको बताने के लिए आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा। आपके पर्सन का कार्ड है, देखो चूज अ न्यू डायरेक्शन, आपके पर्सन को डायरेक्शन क्लियरली गॉड की तरफ से मिल रहा है कि अगर सपोज वो थर्ड पार्टी में ऑलरेडी है तो उनको बताया जा रहा है कि अपना डायरेक्शन चूज अ न्यू डायरेक्शन, उनको डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि आपको कहाँ से जाना है, कैसे करना है, क्या एक्शन लेना है, किसकी तरफ लेना है, कैसे लेना है, वो उनको बताया जा रहा है। कम्युनिकेट क्लियरली, अब अपने पर्सन से कम्युनिकेशन डोर्स ओपन रखो, समझ रहे हो? अपने डोर्स ओपन रखेंगे तभी वो कम्युनिकेशन आएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप उनको है ना ऐड कर लो अपने अकाउंट में, ये सब मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप उनको ब्लॉक मत करो, एटलीस्ट अनब्लॉक करके रखो। अगर उनको आना होगा तो आएंगे, और जो भी बात हो रही है ना आप लोग कम्युनिकेट एकदम जो स्पष्ट है स्पष्ट शब्दों में बोलिए, और वो भी आपको स्पष्ट सब शब्दों में बोलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बोलेंगे, क्लियरली बोलेंगे अपना अपनी हर बात, क्योंकि आपका अबंडेंस वेट करो। वो समझ नहीं आ रहा है ये पसंद को कि मैं पहले कितना लैक मेंटेलिटी में था, जब थर्ड पार्टी के साथ में होता हूँ तो कितना लैक मेंटेलिटी में होता हूँ, और आपके साथ में होते हैं तो कितने अबंडेंस फील होता है उनको, एक हैप्पीनेस फील होती है, वो अबंडेंस महसूस करते हैं, तो वो चीज़ आपके पसंद को बेसिकली समझ नहीं आ रही है। हो फ्रेंड्स, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।